I've fallen in love with I Love. I love. Él vole, wow. आगे ही बहता रहता हूं, रुक जाना या पलट कर देखना मेरी प्रकृति के विरुद्ध है। मैं एक बार जहां से गुजर जाता हूं वहां दोबारा लौट कर नहीं आता, किंतु बर्बरी महाभारत का एक ऐसा महान पात्र है जिसने अपने चरित्र के बल से एक बार मेरी प्रकृति भी बदल कर रख दी। उसने मुझे भी लौटने और अपने आप को दोहराने पर विवश कर दिया। बर्बरीक महाभारत का युद्ध आरंभ होने से कुछ ही दिन पहले कुरुक्षेत्र आया था, इसलिए अपना चलन छोड़कर स्वयं मुझे भी उसके साथ युद्ध आरंभ होने से पहले के दिनों की ओर लौटना पड़ा। और जब मैं युद्ध आरंभ होने से पहले उस स्थान पर लौटा जहां बर्बरीक खड़ा था, तो फिर सारे दृश्य का बदल जाना स्वाभाविक ही था। मेरे वापस आते ही वो संसार एक बार फिर जी उठा जो युद्ध की ज्वाला में जलकर भस्म हो चुका था। वो सारे पात्र एक बार फिर से सांस लेने लगे जो मृत्यु की गहरी नींद सो चुके थे। मुझे बर्बरीक की कथा इसलिए भी सुनानी पड़ी कि उसने महाभारत के युद्ध से पहले ही ऐसा महान संकट खड़ा कर दिया था
जो किसी भी भांति महाभारत के युद्ध से कम नहीं था। बर्बरीक एक ऐसी दुधारी तलवार था जिसकी काट से न पांडु पक्ष बच सकता था और न कुरु पक्ष। इसलिए केवल मुझे ही नहीं बल्कि स्वयं श्री कृष्ण को भी द्रौपदी के पूछने पर यह बताना पड़ा कि बर्बरी कौन है, क्यों आया है, उसके पास ऐसी कौन सी शक्ति, ऐसा कौन सा वरदान है जिसके कारण वातावरण में इतनी हलचल मची हुई है। पांडव पक्ष क्यों ये समझ रहा था कि उनका अपना पौत्र ही उनके लिए महान संकट बन सकता है, और कुरुपक्ष भयभीत था कि बर्बरीक उनके सर्वनाश का कारण बन जाएगा। किंतु ये सब तो तब हुआ जब बर्बरीक एक महान शक्ति और वरदान से लैस होकर वापस आया। उसका जन्म तो पांडु परिवार के लिए एक उत्सव और दुर्योधन के लिए केवल एक और शिशु का जन्म भर था। इसीलिए उसने गांधारी और विदुर की ये सलाह मानने से इनकार कर दिया कि पांडव परिवार को पौत्र से मिलने का अवसर देने के लिए द्यूत क्रीड़ा कुछ दिनों के लिए टाल दी जाए। प्रणाम भ्राता श्री। आयुष्मान भव। प्रणाम भाभी श्री। आयुष्मान भव विदुर जी। अनुज विदुर। हां भ्राता श्री। प्रणाम करते समय तुम्हारे स्वर कंपन से तुम्हारे हृदय का हर्ष छुपाए नहीं छुप रहा था। हां भ्राता श्री, आप ठीक कह रहे हैं। जीवन इतना जटिल हो चुका है कि थोड़े से हर्ष का आभास होते ही स्वर में कंपन पैदा हो जाती है। तुम बहुत प्रसन्न लग रहे हो। हाँ भ्राताश्री, मैं बहुत प्रसन्न हूं। समाचार ही इतना हर्षदायक है कि यदि आप भी सुनेंगे तो गदगद हो उठेंगे। अच्छा, क्या पांडवों ने क्षत्रिय धर्म की परंपरा तोड़ दी है? क्या उन्होंने द्यूत क्रीड़ा में भाग लेने से इनकार कर दिया है? यदि ऐसा है तो सचमुच ही यह शुभ समाचार है पितर। नहीं भ्राताश्री, पांडव तो द्यूत क्रीड़ा के निमंत्रण को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं, और फिर उनसे क्षत्रिय धर्म को तोड़ने की आशा कैसे की जा सकती है? तो फिर क्या शुभ समाचार लेकर आए हो? भ्राताश्री, उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया है। कुलवधु मौरवी ने एक बालक को जन्म दिया है। पुत्र भीम तो अब दादा और आप और मैं तो परदादा बन गए हैं। यह भी कोई शुभ समाचार हुआ विदुर? शुभ समाचार क्यों नहीं हुआ अरे पुत्र, मोरवी का पुत्र हमारे वंश का पहला परपोत्र है। ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। और इस प्रसन्नता का श्रेय भी देवकी नंदन को ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ही मोरवी और घटोत्कच का जोड़ मिलाया था। माता और शिशु कुशल तो है ना विदुर जी? हाँ भाभी श्री, वो सब ठीक है। प्रणाम महाराज। आपने शुभ समाचार सुना भ्राताश्री? सुना बहना, अवश्य सुना। पांडवों के विषय में तो कोई भी समाचार शुभ या शुभ मेरे कान बहुत दूर से सुन लेते हैं। विदुर जी, शिशु का नामकरण हो गया क्या? हाँ, बालक के सर पर घने और घुंघर वाले बाल होने के कारण वधु हिडंबा ने उसका नाम बर्बरीक रखा है। बर्बरीक हमारी सूची में एक और नाम बढ़ गया है। ये क्या भ्राताश्री, क्या आप नवजात शिशुओं को भी
शत्रु माना जाने लगा है। मेरा तात्पर्य ये नहीं था बहना, मैं तो ये कहना चाहता था कि कुरु वंश में एक और सदस्य की वृद्धि हो गई है। कितना शुभ समाचार है। अवश्य है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं अब भी जाकर उसे देखाऊं। तुम बड़ी भावुक हो बहना, अपनी भावुकता में ये भी भूल गई हो कि अपनी इच्छा से तुम अपने पति देव के नेत्रहीनता की भागीदारनी बनी हो। तुम तो उस शिशु को देख भी नहीं सकती। देख नहीं सकती तो क्या हुआ? अरे पुत्र, मैं उसे छू तो सकती हूँ ना, कुलेल तो सुन सकती हूँ उसकी, गोद में उठाकर चूम तो सकती हूँ उसे। मैं तुम्हारी ममता भावना को समझ रहा हूँ गांधारी, किंतु परिस्थितियां हम सबको ऐसे मोड़ पर ले आई हैं कि तुम वहां नहीं जा सकते। अरे पुत्र, विदुर, पुत्र भीम तो इस समय अपने परिवार के साथ ही होगा ना? कहां है भ्राताश्री? जूत क्रीड़ा के कारण पुत्र भीम के पास समय ही कहां है कि अपने पोत्र का मुख देख पाए। ये तो बड़ा अन्याय है। परिवार में पहला परपोत्र हुआ और भीम उसे देखने भी नहीं जा सकता। मेरा मन व्याकुल हो रहा है, कैसा अत्याचार है आर्यपुत्र ये। परंतु किया ही क्या जा सकता है गांधारी? किया तो बहुत कुछ जा सकता है भ्राताश्री, किंतु उसके लिए थोड़े से मनोबल की आवश्यकता है। हाँ तो विदुर, क्या किया जा सकता है? यदि थोड़े समय के लिए द्यूत क्रीड़ा को टाल दिया जाए तो पुत्र भीम भी अपने पोत्र का मुख देख सकता है। तुम कैसी बात कर रहे हो अनुज? ठीक ही तो कह रहे हैं विदुर जी, द्यूत क्रीड़ा बाद में भी हो सकती है आर्य पुत्र, शिशु का जन्म रोज रोज तो नहीं होता। तुम लोग सदैव ही उल्टी बात करते हो, द्यूत क्रीड़ा कैसे टल सकती है? पुत्र दुर्योधन तो उसका समय भी निश्चित कर चुका है। तो क्या हुआ? पुत्र दुर्योधन युवराज है, महाराज आप हैं, आप समय बदल दीजिए तो किसमें साहस है कि आपकी बात को टाल सके। किंतु पुत्र युधिष्ठिर भी तो निमंत्रण स्वीकार कर चुका है गांधारी, वो क्षत्रिय परंपरा को तोड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं होगा। परंपरा परंपरा परंपरा, क्या क्या ही परंपराएं तोड़ी नहीं जा सकती, और वो भी द्यूत क्रीड़ा जैसी दुष्ट परंपरा जिसका परिणाम सर्वनाश के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अरे पुत्र, तुम्हें दूसरों की बड़ी चिंता है गांधारी, अपने पुत्रों का कोई ध्यान नहीं है। जानती हो, यदि द्यूत क्रीड़ा में बाधा डाली गई तो दुर्योधन आत्महत्या कर लेगा। क्या तुम चाहती हो कि हम अपने पुत्र से हाथ धो लें? मैं ऐसा कब कह रही हूँ आर्य पुत्र, मैं तो केवल ये कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए द्यूत क्रीड़ा टाल दी जाए। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहना? द्यूत क्रीड़ा भला अब कैसे टल सकती है? सारी तैयारियां हो गई हैं और ये मेरे पास से अपना चमत्कार दिखाने के लिए इतने व्याकुल हैं कि बार बार मेरे हाथों से फिसले जाते हैं। बहना, तुम भी इनका चमत्कार देखोगी ना तो दंग रह जाओगी। बड़े उत्सुक दिख रहे हैं प्राताश्री, आप अपनी उत्सुकता में ये भूल चुके कि मैं अपनी इच्छा से अपने पति की नेत्रहीनता की भागीदार बनी हूं। मैं आपके पासों का चमत्कार नहीं देख सकती, और कदाचित इच्छा भी नहीं है कि मैं उस विनाश को देख सकूं जिसने आपके पासों के चमत्कार का भेष ही बदल रखा हो। किस विषय पर वाद विवाद चल रहा है पिताश्री? कुछ नहीं पुत्र, समाचार मिला है कि पुत्र भीम के घर पौत्र ने जन्म लिया। तो द्यूत क्रीड़ा के कारण पुत्र भीम अपने पौत्र को देखने नहीं जा पा रहा,
तो ये कौन सा चिंता का विषय है पिताश्री? पौत्र तो आ ही चुका है, भीम अपने पौत्र को देखने द्यूत के बाद भी तो जा सकता है। लेकिन पुत्र, हम सोच रहे थे यदि द्यूत क्रीड़ा कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी जाती तो पुत्र भीम को अपना पौत्र देखने का अवसर मिल जाता। क्यों क्यों स्थगित कर दी जाए द्यूत क्रीड़ा? इसलिए स्थगित कर दी जाए पुत्र कि परिवार में पहला परपोत्र हुआ है, इसलिए सारे परिवार को एकत्र होना चाहिए। संसार में आए दिन अनगिनत शिशु जन्म लेते हैं माताश्री, परंतु उनके कारण संसार का सारा काम काज स्थगित तो नहीं कर दिया जाता। किंतु पुत्र, किंतु विंतु कुछ नहीं काकाश्री। संसार चाहे इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, परंतु द्यूत क्रीड़ा नहीं टल सकती। हाँ, यदि पांडव चाहे तो अपने हर्ष को बहाना बनाकर द्यूत क्रीड़ा स्थगित कर सकते हैं, अपने शिशु के जन्म का उत्सव मनाए ना है द्यूत क्रीड़ा में। परंतु ये कैसे संभव है प्रिय भांजे? वे लोग भी तो क्षत्रिय हैं, अपने धर्म को वे लोग भी नहीं तोड़ेंगे। मैं तो केवल इतना कह रहा था कि किसी का जन्म ही तो हुआ है, कोई मृत्यु थोड़े हुई है। और जन्म तो स्वयं एक उत्सव होता है, और ऐसे उत्सव को मनाने के लिए तो द्यूत क्रीड़ा का आयोजन और भी बड़े स्तर पे होना चाहिए, है ना भांजे? पिताश्री, मामा श्री का परामर्श सही है। द्यूत क्रीड़ा को स्थगित करने का परामर्श देने वाले सुन ले, द्यूत क्रीड़ा होगी और वो भी अपने निर्धारित समय पर। दुर्योधन अभिमान से ठुकराता है प्यार, उसके मन पर द्यूत है बन कर भूत सवार, बन कर भूत सवार। मझले भैया की अपने परिवार से मिलने की इच्छा पूरी न हो सकी। उन्हें क्या पता था कि द्यूत क्रीड़ा से जो मार्ग निकलेगा वो उन्हें उनके राजभवन नहीं बल्कि वन की ओर ले जाएगा। शकुनी के पासों ने पहले उनसे उनका धन छीना, फिर राज्य, अंत में वो भी छीन लिया जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की नींव होता है, नारी का सम्मान। और उसके पश्चात जो हुआ वो वही था जो नारी सम्मान खोने वालों के साथ होना चाहिए। पांचाली, विधाता की हर बात के अंदर कोई ना कोई आदेश अवश्य ही छिपा होता है। यदि ऐसा ना होता तो संसार को इसका ज्ञान कैसे होता कि द्यूत क्रीड़ा वास्तव में एक अभिशाप है। पांडवों ने द्यूत क्रीड़ा में हार कर आने वाली पीढ़ियों को उसके दुष्परिणामों की चेतावनी दे दी है। पांडव वन में भटकते रहे और इधर बर्बरीक ने पालने से निकलकर किशोरावस्था में पग रखा। प्रणाम दादी श्री, हमें धनुर्विद्या का अभ्यास कराइए ना। अवश्य पुत्र, किंतु एक बात का ध्यान रखना, ये बात तुम्हारे दादा श्री अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य जी से कही थी, जब उन्होंने तुम्हारे दादा श्री से उनके लक्ष्य के बारे में पूछा तो तुम्हारे दादा श्री ने उत्तर दिया कि मुझे पक्षी की आंख के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और तुम्हें भी ये सदैव स्मरण रखना होगा पुत्र कि जब भी अपना लक्ष्य साधो तुम्हें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। वो सामने पेड़ की शाखा तुम्हारा लक्ष्य है,
जाओ, जाके लक्ष्य साधो। विजयी भव। यशस्वी भव, अब इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरा पौत्र धनुर्विद्या में अपने दादा श्री अर्जुन की बराबरी करेगा और जीवन का मूल तत्व भी यही है कि जीवन में सफलता पाने के लिए मन का एकाग्र होना अति आवश्यक है। हिडिंबा। प्रणाम महर्षि। अखंड सौभाग्यवती भव। हमारे अहोभाग्य कि आपने दर्शन दिए। पुत्र, महर्षि को प्रणाम करो। प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। आइए आसन ग्रहण कीजिए। आओ पुत्र। महर्षि, पांडवों का क्या समाचार है? अधिक शुभ नहीं। कौरवों की ओर से आए दिन उनके विरुद्ध कोई नया छल सामने आता है। धृतराष्ट्र तो जन्म से ही नेत्रहीन है, किंतु दुर्योधन को लोभ और ईर्ष्या ने अंधा बना दिया है। इस अंधेपन के कारण उसका हर पग विनाश की राह पर उठ रहा है। दुर्भाग्य तो यह है देवी कि दुर्योधन ये नहीं समझ पा रहा है कि लोभ और ईर्ष्या की ये अग्नि एक दिन स्वयं उसे भस्म कर देगी। तुम्हारा पौत्र बड़ा पराक्रमी है और परम वीर निकलेगा देवी। इसका जन्म ग्रहों की अति उत्तम दशा में हुआ है। मेरे पौत्र के भविष्य के बारे में कुछ बताइए महर्षि। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये बड़ा होकर शूर वीर बने। वो तो इसे बनना ही है देवी। इसके माथे की प्रतिभा ही बता रही है। इसकी किशोर अवस्था तुम सबके लिए अत्यंत सुखदायी होगी। और युवावस्था? आप चुप क्यों होगे महर्षि? क्या बात है? क्या मेरे पौत्र की युवावस्था में कुछ संकट है? संकट के बिना जीवन निरर्थक है देवी। वो युवा अवस्था ही क्या जो संकट से जूझे बिना ही बीत जाए। पर इतना जान लो देवी कि कभी कभी भविष्य का ज्ञान भी उन्नति की राह का रोड़ा बन जाया करता है। मैं अपने पौत्र को अपनी राह का हर रोड़ा हटाने का ज्ञान दूंगी महर्षि। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा पुत्र युवावस्था में कोई ऐसा कार्य तो नहीं करेगा जो इसके महान वंश के लिए अपयश और कलंक का कारण बने। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा देवी। ऐसा कदापि नहीं होगा देवी। बल्कि तुम्हारे पौत्र की युवावस्था में कोई न कोई ऐसी घटना अवश्य घटेगी कि जिससे समस्त संसार उसकी पूजा करेगा। क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है देवी? फिर तो चिंता की कोई बात नहीं है महर्षि। यदि मेरा पौत्र पूजा का पात्र बनेगा तो अवश्य ही कोई महान और शुभ कार्य करेगा, अपने वंश का गौरव बढ़ाएगा। मैं अपने पौत्र को धनुर्विद्या की शिक्षा स्वयं दूंगी। व्यास कहे मत सोच तू, क्या है विधि का लेख, करता जान जिकर्म तू, फल की ओर न देख, फल की ओर न देख।
प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भावा। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। क्षमा कीजिए गुरुवर, आज आपके स्वागत के लिए मैं अकेले रह गई हूँ। मेरे पुत्रों के लिए तो द्युत क्रीड़ाकांत वनवास गमन सिद्ध हुआ। होनी को कौन रोक सकता है? तुम दुखी मत हो पुत्री, तुम्हारे पुत्रों का वनवास दुखदायी अवश्य है, पर यही वनवास उन्हें जीवन, जीवन की यातनाओं, जीवन के सत्य को देखने की एक नई दृष्टि प्रदान करेगा। दुख की अग्नि में तपकर उनके चरित्र कुंदन बन जाएंगे। कदाचित आप ठीक ही कह रहे हैं गुरुवर, जीवन जो भी रंग बदले उसे तो हंसकर अपना नहीं पड़ता है। जीवन को अपने रंग में रंगने की क्षमता तो हमारे हाथों में है नहीं, किंतु दुख इस बात का है ना पुत्र भीम अपनी पौत्र बर्बरी का मुख देख सका और ना ही आज तक मैं अपने परिवार से मिल सके। किंतु महर्षि आप आ कहां से रहे हैं? कुलवधु हिडिंबा से मिलकर आ रहा हूं पुत्री। अच्छा, तो फिर आपने मेरे परपुत्र बर्बरी को भी देखा होगा? अवश्य देखा, किंतु देखा शब्द बहुत तुच्छ है, मैंने उसके दर्शन किए। अच्छा, कैसे लगते हैं वो दिखने में? चंद्रमा की शीतलता और सूर्य का तेज मिलकर यदि मानव रूप धारण कर ले तो वो बिल्कुल बर्बरी जैसा होगा। पता नहीं मेरे भाग्य में अपने पर पोत्रों का मुख देखना लिखा भी है या नहीं। तुम अवश्य देखोगी पुत्री। किंतु कब देखूंगी? मेरे पुत्रों का वनवास समाप्त होने तक तो वो भी बड़ा हो चुका होगा। अच्छा महर्षि, ये तो बताइए वो बड़ा होकर क्या बनेगा? आपने तो उसकी भाग्य रेखा भी पढ़ ली होगी, क्या वो मेरे पुत्रों जैसा होगा? उनसे भी अधिक, उनसे भी बड़ा वीर सिद्ध होगा। मुझे उसके भविष्य के विषय में और बताइए, मैं उसके विषय में सब कुछ जानना चाहती हूँ। भविष्य के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की लालसा अच्छी नहीं होती पुत्री। क्यों महर्षि? क्योंकि ये जानकारी मनुष्य को कर्महीन बना सकती है। यदि किसी को ये पता चल जाए कि उसके भविष्य में सब शुभ ही शुभ है तो वो निश्चिंत होकर कर्म की डगर छोड़ देगा, और यदि किसी को यह पता चल जाए कि उसके भविष्य में सब अशुभ ही अशुभ है तो भी वो हताश और निराश होकर कर्म छोड़ देगा। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि सबसे महान कर्म वही है जो फल और परिणाम की चिंता के बिना किया जाए। महर्षि आप मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हैं? मेरे परपोत्र के भविष्य पर किसी संकट की काली छाया तो नहीं पड़ रही है? बर्बरीक सूर्य की भांति प्रकाशमान है, उस पर यदि कोई छाया भी पड़े तो जलकर राख हो जाएगी। तो फिर आप मुझे और क्यों नहीं बताते? क्या बताऊं? क्या ये कुछ कम है कि वीरता उसके नाम की सौगंध खाएगी और श्रद्धा उसके चरणों में शीश नवाएगी? उसका अस्तित्व श्री कृष्ण की परछाइयों की भांति। बर्बरी कहाँ है मुरवी? वही जो संसार में उसके लिए सबसे अधिक मनभावन स्थान है, उसकी दादी माँ की गोद। ठीक कहती हो। दादी और पुत्र को दोनों को एक दूजे के बिना चैन ही नहीं आता। माता श्री के जीवन का सूनापन बर्बरीक ने जिस प्रकार भरा है उस प्रकार तो मैं भी नहीं भर सका था। सच पूछो तो माता श्री जिस तरह उसकी देखभाल शिक्षा दीक्षा कर रही है, मैं तो उसका अंश मात्र भी ना कर पाती। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता श्री उसे बहुत वीर और पराक्रमी बनाकर मानेंगी। वो तो अपने पुत्र को बनना ही है, पर ब्रिक तुम्हारी बुद्धि और मेरी बुद्धि
तुम्हारी शक्ति और मेरी शक्ति से मिलकर बना है। देख लेना, बड़ा होकर वो बड़े बड़े योद्धाओं को पल में यूं परास्त करेगा जैसे मैंने तुम्हें परास्त किया था। अच्छा फिर मुझे चिढ़ाने पर आ गए ना। तो क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? मैंने कब कहा? अच्छा तो मौरवी ये बताओ, तुम्हें अपने परास्त होने का दुख तो हुआ होगा? सच कहूँ? एक क्षण के लिए तो अवश्य हुआ था, किंतु वो एक क्षण तो कदाचित यात्रा का वो मोड़ होता है जहां से जीवन एक राह छोड़कर दूसरी राह की तरफ मुड़ जाता है, और वो क्षण मेरे अभिमान का अंतिम मोड़ था, परंतु दूसरे क्षण तो मेरा संसार ही बदल गया था। एक बात और पूछूं? अवश्य पूछो। राजभवन छोड़कर इस वानर कुटिया में आने का दुख तो नहीं है तुम्हें? नहीं है। वहां प्राणहीन पत्थरों और ईंटों का समूह होता है, राजमहल की पथरीली दीवारों से प्यार की सुगंध नहीं फूटती, और इस कुटिया में तो प्यार का बसेरा है। फिर दुख तो तब होता है जब आपका कुछ छूट जाए, कुछ खो जाए। मेरा तो कुछ भी नहीं छूटा है, मैंने तो कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि यहां आकर तो मैंने सब कुछ पा लिया है, वो सब कुछ जिसे मेरा जीवन खोज रहा था। यहां आकर मुझे मां मिली है, मां का प्यार मिला है, जिस अनुभव को मैं तरस रही थी, पति का स्नेह मिला है, जिससे मुझे पहली बार यह आभास हुआ है कि मैं भी किसी के प्रेम के योग्य हूं, मैं भी किसी को प्रेम दे सकती हूं। मौरवी, तब तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम हार गई। बहुत अच्छा हुआ, इसी हार में तो मेरी जीत हुई, क्योंकि जब बर्बरीक ने मेरे जीवन में पांव रखा तो मुझे लगा आपसे हारने के लिए इतनी लंबी प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ी, मैं बहुत पहले क्यों ना हार गई। मां बनने से एक स्त्री का जीवन संपूर्ण हो जाता है, जब आप मिले तो मुझे लगा केशव ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और जब बर्बरीक मिला तो मुझे लगा मेरे अर्थहीन जीवन को एक अर्थ मिल गया है, मुझे जीने का एक उद्देश्य मिल गया है। भगवान ने तो माता को बनाया ही इसीलिए है कि स्वयं उसे हर स्थान पर ना रहना पड़े। किंतु ये भी सत्य है मौरवी कि बर्बरीक हमारे जीवन में काका श्री केशव का उपहार है, उसके जीवन पर हमसे अधिक अधिकार तो उनका है। इसीलिए तो मैं उसके भविष्य से निश्चिंत हूँ। मेरा वीर बर्बरीक मेरी शाम की छाया में बड़ा होगा। मैं समय हूँ, कदाचित दादा भीमसेन और समस्त पांडु परिवार के भाग्य में बर्बरीक को बढ़ते हुए देखना नहीं लिखा था। द्यूत क्रीड़ा का दुष्परिणाम धर्मराज युधिष्ठिर से उनकी भूल का पूरा पूरा मूल्य वसूल कर रहा था। ये मूल्य पांडव परिवार को 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के रूप में चुकाना पड़ रहा था, और द्रौपदी का दुख तो सबसे बड़ा था, उसे उस अपराध का दंड भोगना पड़ रहा था जो उसने किया तो क्या कभी सोचा भी न था। उसे तो ये भी पता नहीं था कि उसका पौत्र बर्बरीक कैसा है, क्या है, और भविष्य में किस रूप में सामने आने वाला है। और बर्बरीक, वो तो अपनी मायाविनी दादी हिडिंबा और माता मौरवी के प्रेम की छांव में चंद्रकला के समान पड़ रहा था। हिडिंबा ने अपने पौत्र बर्बरीक को एक पराक्रमी योद्धा बनाने की धुन में रात दिन एक कर दिए थे, और उसका ये परिश्रम रंग भी लाया। बर्बरीक उसकी देखरेख में एक ऐसे वीर और पराक्रमी नवयुवक में परिवर्तित हो गया जिसको देखते ही विश्वास हो जाता था कि वीरता और पराक्रम ने मानव रूप धारण कर लिया है।
प्रणाम दादी श्री। धन्य हो पात्र, तुम मेरी सिखाई विद्या की कसौटी पर पूरे उतरे। आयुष्मान भव, देखा मेरे पौत्र का साहस? जब भी युद्ध भूमि में उतरेगा शत्रुओं के पांव उखड़ जाएंगे। माताश्री, आप जैसी गुरु जी से मिले, खड़क उसकी दासी और वीरता उसकी आगे कारणी बन जाएगी। जुग जुग जियो मेरे लाल। पात्र, तुम अश्व और धनुर्विद्या में प्रवीण हो चुके हो। दादी श्री, मैं तो इसके भी आगे जाना चाहता हूं। इसके आगे पौत्र, क्या करना चाहते हो तुम? दादी श्री, मैं संसार में अजय और अपराजित बनना चाहता हूं। पौत्र, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसके आगे जाना चाहते हो तो कोई गुरु ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो फिर आप ही मुझे बताइए दादी श्री, मैं किसके पास जाऊं और किस गुरु को अपना बनाऊं? ऐसा गुरु तो विश्व में केवल एक ही है। यदि वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है। वो कौन है दादी श्री, ये आप मुझे बताइए, मैं जाकर के उनके चरण थाम लूंगा और उस समय तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरा मार्गदर्शन करना स्वीकार नहीं कर लेते। केशव, जिन्हें सब श्री कृष्ण कहते हैं वो तुम्हारे दादा श्री भी हैं। पूज्य पितामह केशव, दादी श्री हमें ले चलिए उनके पास। तुम तो जानते हो पौत्र, वो जहां है हम वहां नहीं जा सकते। आप तो ले जा सकते हैं उनके पास, तो फिर हमें ले चलिए ना। पुत्र, हर धर्मी नहीं करते। माता श्री, मैं क्यों ना करूं हर धर्मी? क्या मैं उनका पौत्र नहीं? क्या उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं? मैं अवश्य जाऊंगा उनके पास। अच्छा अच्छा पुत्र, ले चलेंगे, समय तो आने दो। मेरे लिए समय आ चुका है पिताश्री, मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि आप लोग मुझे नहीं लेके गए तो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा उनके पास। सच्चे मन से कृष्ण का जो कर लेता ध्यान, जब जब भक्त पुकारते आ जाते भगवान। मैं समय हूं, मैं जानता हूं कि हिडिंबा और कुंती के ये पूछने पर कि बर्बरीक की युवावस्था में क्या होगा, महर्षि व्यास इसका सीधा उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे कि होता तो फिर भी वही है जो नियति ने लिख दिया है, किंतु ममता और स्नेह के दुर्बल हाथ उसमें बाधा डालने का प्रयत्न कर सकते हैं। मुझे इसका भी ज्ञान था कि बर्बरीक के मन में ये उमंग क्यों जागी कि केवल श्री कृष्ण ही उसके गुरु हो सकते थे। यही मार्गदर्शन तो उसे उस स्थान पर ले जाने वाला था जहां पहुंचकर नश्वर व्यक्ति भी अमर और पूजनीय हो जाता है। श्री कृष्ण का आना बर्बरीक की महानता की राह पर पहला पग था। पत्र, मेरे पास जो भी कुछ था मैंने तुम्हें दे दिया, अब इसके आगे जाना चाहते हो तो कोई गुरु ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है। तो फिर आप ही मुझे बताइए दादी श्री, मैं किसके पास जाऊं और किस गुरु को अपना बनाऊं? ऐसा गुरु तो विश्व में केवल एक ही है। यदि वो तुम्हारा मार्गदर्शन कर सके तो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो सकती है।
वो कौन है दादीश्री? ये आप मुझे बताइए, मैं जाकर के उनके चरण थाम लूंगा और उस समय तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो मेरा मार्गदर्शन करना स्वीकार नहीं कर लेते। केशव, जिन्हें सब श्री कृष्ण कहते हैं वो तुम्हारे दादाश्री भी है। वत्स, तुमने हमें याद किया, हम आ गए। सच है केशव, जब भी कोई आपका स्मरण करे आप दर्शन अवश्य देते हैं। हाँ भाभीश्री, यदि कोई हमें मन से स्मरण करता है तो हमें आना ही पड़ता है। कहो वत्स, क्या इच्छा है तुम्हारी? बस इसने तो एक ही रट लगा रखी है केशव, इसे तो आपको गुरु बनाना है। वत्स, इस देश में गुरुजनों की क्या कमी है? तुम हमें ही गुरु क्यों बनाना चाहते हो? इसलिए कि दादीश्री कहती हैं कि आप ज्ञान के भंडार हैं। आपसे जिसे मार्गदर्शन मिलेगा उसे सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि आप मार्गदर्शकों के मार्गदर्शक हैं। आप मेरा भी मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपका पौत्र हूं और एक पौत्र होने के नाते क्या आप पर मेरा कोई अधिकार नहीं? अवश्य है पौत्र, अवश्य है, किंतु कुल और परिवार अपने स्थान पर होते हैं और गुरु शिष्य का नाता अपने स्थान पर। यदि तुम्हें हमारा शिष्य बनने का अधिकार है तो हमें भी यह देखने का अधिकार है कि तुम हमारे शिष्य बनने की योग्य हो भी या नहीं। आप मेरी योग्यता की परीक्षा ले सकते हैं दादाश्री। ठीक है वत्स, हम तुमसे कुछ प्रश्न पूछते हैं, यदि तुमने उनका ठीक ठीक उत्तर दिया तो हम तुम्हारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगे। मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार हूं। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताओ वत्स कि गुरु और भगवान में कौन अधिक श्रेष्ठ होता है? गुरु। गुरु क्यों? वो इसलिए दादाश्री क्योंकि गुरु ही तो भगवान को पाने की राह दिखाता है। गुरु ना हो तो भगवान का ज्ञान कौन दे? गुरु ही तो बताता है भगवान कौन है, क्या है और कहां है। बहुत ठीक उत्तर दिया तुमने वत्स। अब ये बताओ कि संसार में सबसे तीव्र गति किसकी होती है? मन के विचारों की दादाश्री, जो क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंचा देते हैं। धन्य हो वत्स। अब अंतिम प्रश्न, वो कौन सी वस्तु है जो एक बार चली जाए तो कभी नहीं आती, और वो कौन सी वस्तु है जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती? युवावस्था दादाश्री, जो एक बार चली जाए तो फिर कभी नहीं आती, और वृद्धावस्था, जो एक बार आ जाए तो फिर कभी नहीं जाती। हम प्रसन्न हुए, तुम परीक्षा में सफल हुए वत्स। आपका ये पौत्र बहुत होनहार और बुद्धिमान है, अवश्य ही से ये बुद्धि मायावनी दादी मां यानी भाभी श्री हिडिंबा से मिली है। तो आप हमें अपना शिष्य बना लेंगे दादाश्री?
किंतु तुमने अभी तक हमें ये तो बताया ही नहीं कि तुम बनना क्या चाहते हो। मैं दादाश्री भीमसेन के भांति महावीर और पिताश्री घड़ोत्कच के भांति महाबली बनना चाहता हूं। दादाश्री, मैं ऐसा महाबली व्यक्ति बनना चाहता हूं जिसे कोई सेना भी परास्त न कर सके। शारीरिक बल मनुष्य के लिए अनिवार्य व आवश्यक है वत्स, किंतु ना तो वह अपने आप में संपूर्ण होता है और ना ही किसी को संपूर्ण बनाता है। संपूर्ण तो मनुष्य केवल उसी समय होता है जब उसके पास शारीरिक बल के साथ साथ मनोबल भी हो, क्योंकि शारीरिक बल तो उसे केवल अपने जैसे व्यक्ति से लड़ने की शक्ति देता है, किंतु मनोबल उसे परिस्थितियों से लड़ने व उन्हें बदल देने तक की शक्ति देता है। वत्स, दादाश्री, आपके पास किस चीज की कमी है? आप चाहें तो किसी को भी बल और मनोबल दे सकते हैं, इसीलिए तो मैं आपके पास शीश नवाने आया हूं। तुम्हारे जैसा पराक्रमी और बुद्धिमान शिष्य पाकर मैं भी अति प्रसन्न होता वत्स, किंतु यह समय बड़ा दुर्लभ है। क्यों दादाश्री? तुम्हारा कुल इन दिनों बहुत पीड़ित है वत्स, देश बंटवारे की कगार पर खड़ा है। दुर्योधन अपने ही भाइयों को उनके अधिकारों से वंचित कर देना चाहता है। दादाश्री, हम आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते? बहुत अच्छा प्रश्न किया तुमने वत्स। ये प्रश्न हर युग में हर पीढ़ी अपने पूर्वजों से पूछेगी कि लोग आपस में मिलकर क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हर युग में एक ना एक दुर्योधन अवश्य होगा जो अपने अहम और अपनी हठधर्मी को ही अपना धर्म समझने लगेगा। परंतु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं कि अंत में विजय धर्म की ही होती है। ज्ञान है वत्स, किंतु वो आरंभ को ही अंत समझता है। पर यह भ्रम तो एक दिन टूट जाएगा दादाश्री, जब दादाश्री दुर्योधन को इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि धर्म उनकी हट नहीं, धर्म तो न्याय है और अंत में विजय धर्म की ही होती है। जब तक धर्म की विजय नहीं हो जाती वत्स, तब तक उसे अधर्म से लड़ना ही पड़ता है, उसकी शक्ति को झेलना ही पड़ता है, और तुम्हारा कुल अभी वही सब झेल रहा है। दादाश्री भी यही कहती हैं कि दादाश्री दुर्योधन की महत्वाकांक्षाओं का कोई अंत नहीं। महत्वाकांक्षा अश्व की भांति होती है वत्स, यदि उसके मुंह में सहनशीलता की लगाम न डाली जाए तो वो नियंत्रण से बाहर हो जाती है। दुर्योधन की महत्वाकांक्षा भी उसके नियंत्रण से बाहर हो चुकी है, और उसे नियंत्रण में लाने के सिवा हमारे पास कुछ और सोचने के लिए समय ही नहीं है। क्या आप ये कह रहे हैं दादाश्री कि समय के अभाव के कारण आप हमें अपना शिष्य नहीं बना सकते? समय का अभाव केवल एक कारण है वत्स, दूसरा कारण कुछ और है। वो क्या दादाश्री? जिस बल और शक्ति की तुम्हें कामना है वत्स, वो तुम्हारे कुल और समाज के काम भी आ सकती है, किंतु उस बल और शक्ति का स्रोत कहीं और है। कहां दादाश्री? वो शक्ति और बल तुम्हें हमारे सिवा केवल ब्राह्मण गुरु विजय सिद्ध से ही नहीं दे सकते। मैं उनके पास जाऊंगा दादाश्री, मुझे बताइए वो कहां रहते हैं। यहां से दूर पूर्व देश के गुप्त क्षेत्र में विराजते हैं वो, उनके पास जाओ, उनसे हमारा प्रणाम कहना और उन्हें बताना कि हमने तुम्हें किस आवश्यक कार्य से उनके पास भेजा है। वे तुम्हें वो सब कुछ प्रदान कर सकते हैं जिसकी तुम्हें मनोकामना है।
मैं अवश्य उनके पास जाऊंगा दादाश्री। इस मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, किंतु एक बात याद रखना वत्स, अपनी मनोकामना को किसी के लिए संकट न बनने देना। और अब रही गुरु दक्षिणा की बात, तो वो ऋण समय आने पर। देखा, मैं ना कहती थी केवल केशव ही तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। ज्ञान का ऐसा कौन सा मार्ग है जो इनके चरणों से आरंभ नहीं होता। इनके बताए हुए मार्ग पर चलो, सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। किंतु तुम्हारी दादी श्री को तुम्हारी याद बहुत आएगी। दादी श्री, मैं बहुत शीघ्र ही लौटाऊंगा। नहीं पात्र, मेरे कारण अपनी शिक्षा अधूरी नहीं छोड़ना। शिक्षा पूरी करके ही तुम अपने कुल और समाज की सेवा कर सकते हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे लिए तुम्हारे जैसा एक और पौत्र भेज दे। आयुष्मान भव। भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी करे, तुम्हें महावीर और महाबली बनाए। गुरु ही दिखलाता सदा नए ज्ञान की राह। हरि समान गुरु जब मिले शेष रहे क्या चाह, शेष रहे क्या चाह। कौन हो तुम लोग? हम नहीं चाहते कि इसकी साधना पूरी हो। पूजा में मग्न एक नेत्य व्यक्ति को मारकर तुम राक्षस कुल का अपमान करना चाहते हो? मैं तुम्हें कदापि ऐसा नहीं करने दूंगा। जा बालक जा, नहीं तो तू भी मारा जाएगा। नहीं, मेरे होते तुम इन्हें छू भी नहीं सकते। अच्छा तो लो, पहले इसका ही निर्णय कर देते। Thank you.
फिर इन दुष्टों ने मेरी तपस्या भंग कर दी। अब आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए, अब आपकी तपस्या भंग करने का कोई साहस भी नहीं करेगा। तुम्हारा धन्यवाद कि इन दुष्टों से मेरे प्राण बचाए। मैं जब भी तपस्या पर बैठता हूं ये राक्षस मेरे पीछे पड़ जाते हैं, पर तुम कौन हो बालक और यहां क्या कर रहे हो? मैं घटोत्कच पुत्र बर्बरीक हूं और गुरु विजय सिद्धसेन से मिलने जा रहा था। विजय सिद्धसेन? मैं ही विजय सिद्धसेन हूं बालक। मेरी यात्रा सफल हो गई, आप धन्य हैं गुरुदेव। पर तुम्हें मुझसे क्या कार्य हो सकता है? मुझे दादाश्री श्री कृष्ण ने आपके पास भेजा है। मेरे पास? किंतु क्यों? वो चाहते हैं कि आप मुझे अपना शिष्य बना लें। मुझे उस शक्ति और सिद्धि की खोज है जो संसार में मुझे अजय और अपराजित बना दे। एक तो तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की, दूसरे तुम्हें श्री कृष्ण ने यहां भेजा है। मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा, किंतु अभी तो मेरी ही साधना पूरी नहीं हुई। मेरी साधना पूरी होने में 7 दिन और 7 रातें लगेंगी। बालक, यदि तुम 7 दिन और 7 रातें मेरी रक्षा करो, किसी को यहां मेरे पास ना आने दो, तो मैं तुम्हें अपना शिष्य अवश्य बनाऊंगा। अब आप निश्चिंत होकर तपस्या कीजिए, आपके आसपास आने का कोई साहस भी नहीं करेगा। यह बर्बरीक का वचन है।
वधु, क्या बात है वधु? तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? ना जाने मेरे बर्बरीक पर
क्या बीत रही होगी माता श्री? वही बीत रही होगी वधू जो शिक्षा की अभिलाषियों पर बीता करती है। शिक्षा प्राप्ति का मार्ग इतना सरल नहीं होता, इसमें तो पग पग पर परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है और मेरा बर्बरिक भी परीक्षाओं का सामना कर रहा होगा। ज्ञान तप के बिना नहीं मिलता वधू, और बर्बरिक जीवन की जिस अवस्था में है वही अवस्था तो ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है, और तप उस सीढ़ी पर पग धरने का साहस देता है। इस परीक्षा और तप की डगर पर जिनके पांव नहीं डगमगाते, संसार उन्हें ही ज्ञानी की उपाधि देता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा बर्बरिक बिल्कुल ठीक होगा और हर परीक्षा में सफल होगा। किंतु माता श्री, बचपन से आज तक मैंने उसे एक पल के लिए भी अपनी दृष्टि से ओझल नहीं किया। वो पहली बार मुझसे दूर गया है, मुझे हर पल उसकी चिंता रहती है। यही चिंता तो संसार में मातृत्व का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। ईश्वर ने यह भावना माता के अतिरिक्त और किसी को भी नहीं दी कि वह पुत्र से चाहे कितनी भी दूर रहे, पुत्र का ध्यान सदैव उसके पास रहता है। तुम अकारण ही चिंता करती हो वधू। किंतु उसे कुछ होगा तो नहीं माता श्री? उसे क्या हो सकता है, वो आर्य श्रेष्ठ पांडुपुत्र महाबली भीमसेन और मेरा पौत्र है। भीमसेन का बल उसका प्रहरी और मेरा आशीर्वाद उसका रखवाला है। उसके शरीर में वीर घटोत्कच और वीरांगना मौर्य का रक्त लहरे मार रहा है, उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। मैंने तो केवल उसे दो ही शब्द सिखाए हैं, विजय और लक्ष्य प्राप्ति। मैंने उसे हानि और भय जैसे शब्द सिखाए ही नहीं। वो विजयी होगा, ज्ञानी होगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि उसके मन में जो अजय और महाबली बनने की भावना आई है वो अवश्य पूरी होगी। फिर भी माता श्री, जब तक वो लौट कर नहीं आएगा मुझे चैन ही पड़ेगा। तुम निश्चिंत रहो वधू, वो लौटेगा और सफल होकर लौटेगा। उसके सर के ऊपर तो वासुदेव का हाथ है। वो हाथ स्वयं एक बहुत बड़ा रक्षा कवच है। उस हाथ के होते हुए संसार की कोई भी शक्ति उसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। क्या तुम्हें कोई संदेह है? सच पूछिए तो वासुदेव का आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ा ढाढ़स है। ममता से विवश होकर मैं व्याकुल अवश्य हो रही हूं, किंतु मैं जानती हूं मेरा बर्बरिक मेरे श्याम की छत्र छाया में है। तो जाओ, जाके सो जाओ। मेरा बर्बरिक जहां भी है बिल्कुल सुरक्षित है। चलो वधू। विजय सिद्धसेन, विजय सिद्धसेन,
इन सिद्धियों के लिए तुमने जो कठिन तपस्या की है, ऐसी तपस्या आज तक किसी और ने नहीं की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ वत्स, तुम्हारी साधना स्वीकार हो गई। कठिन साधना से सदा पूरी होती साध, माँ का माख्या का मिले पावन आशीर्वाद, पावन आशीर्वाद। धन्य हो बालक, धन्य हो। भूख प्यास और घाव से चूर होने के पश्चात भी तुमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अब तो मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी गुरुदेव, अब तो आप मुझे अपना शिष्य बनाकर सिद्धि अवश्य देंगे। अवश्य बालक, किंतु उसके लिए भी तुम्हें कुछ करना होगा। आप जो कहेंगे मैं सब करूंगा गुरुदेव, बताइए मुझे क्या करना है। तुम्हें ताल में जाकर गले गले पानी में खड़े होकर 3 दिन और 3 रात सिद्धि मंत्र का जाप करना होगा। साधना संपूर्ण होने के पश्चात तुम्हारा शरीर अपने आप जल स्तर पर उठ जाएगा और तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। आप जो कहेंगे गुरुदेव मैं सब करूंगा, किंतु ध्यान रहे कि मंत्र का जाप इतना सरल नहीं। इस बीच जलचर, भूमिचर एवं निशाचर तुम पर आक्रमण करेंगे, किंतु तुम एक क्षण के लिए भी मंत्र का जाप बंद मत करना। जो आज्ञा गुरुदेव, आप मुझे मंत्र बताइए। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। जाओ बालक, यशस्वी भव। तुम एक क्षण के लिए भी मंत्र का जाप बंद मत करना। मैं मंदिर में जाकर तुम्हारे लिए रक्षा मंत्र का जाप करता हूं। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ बालक। ओम हेम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। ओम हेम रीम क्लीम चामुंडाय विचे। दिव्य दिशा में बढ़ चला लेकर हरि का नाम, यही पूज बन जाएगा बन कर खाटू शाम। मैं समय हूं जिस घड़ी श्री कृष्ण बर्बरीक से बड़े तीखे प्रश्न पूछ रहे थे और बर्बरीक इन तीखे प्रश्नों के सटीक उत्तर दे रहा था, उस घड़ी श्री कृष्ण के होठों पर बिखरी मुस्कान देखते ही मैं समझ गया था कि कुछ होने वाला है, कुछ ऐसा अद्भुत और अनूठा जिसे मुझको आती हुई पीढ़ियों के लिए संभाल कर रखना होगा।
जो होने वाला था उसे या तो मैं जानता था या श्री कृष्ण स्वयं बर्बरीक भी उससे अनजान था। उसे तो धुन थी अपनी मनोकामना पाने की, अजेय होने की मनोकामना, अपराजित बनने की मनोकामना, जिसके लिए उसने गुरु विजय सिद्ध सेन की ऐसी सेवा की कि वो प्रसन्न हो गए और फिर हरि कृपा और गुरु के आशीर्वाद की छाया में उसने परीक्षा के उस मार्ग पर पहला पग रखा जिसके अंत पर उसकी मनोकामना बाहें फैलाए उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, 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 ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
विचे ओम एं ग्रीं ग्रीं चामुंडाए 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 विचे बालक प्रणाम माता। यशस्वी भव, तुम्हारी साधना सफल हो गई। तुम्हारी साधना का फल ये तीन बाण हैं। ये बाण तुम्हें संसार में अजय बना देंगे। अब तुम्हें इस संसार में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। कृपा कृष्ण की हो गई, पाया गुरु वरदान, बरबरीक अब बन गया, परम वीर बलवान, परम वीर बलवान। आओ शिष्य, बधाई हो। इन वाणों को पाकर तुम अजय हो जाओगे। मैं तुम्हें इनके गुण बताता हूं। पहले वाण पर यदि तुम सिंदूर लगाकर छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को एक स्थान पर एकत्रित करके उन पर चिन्ह बना देगा। दूसरा वाण छोड़ोगे तो ये लक्ष्य और शस्त्र दोनों को समाप्त कर देगा। और ये तीसरा वाण अतिरिक्त है, इसकी तुम्हें कदाचित आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शिष्य, अब तुम में ऐसी शक्ति आ गई है कि तुम चाहो तो सृष्टि का नाश भी कर सकते हो। ये सब आपकी कृपा है गुरुदेव। आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है और आपकी गुरुदक्षिणा भी मुझ पर अनिवार्य हो गई है। गुरु दक्षिणा में तुम्हें मुझे दो वचन देने होंगे शिष्य। पहला वचन तो ये कि तुम इस अद्भुत शक्ति का प्रयोग केवल युद्ध में ही करोगे, किसी निजी झगड़े में नहीं। और दूसरा वचन ये कि युद्ध में केवल तुम दुर्बल पक्ष का ही साथ दोगे,
मैं आपको वचन देता हूं गुरुदेव, मैं इन वाणों का प्रयोग निजी झगड़ों में नहीं करूंगा और युद्ध में दुर्बल पड़ने वाले पक्ष का ही साथ दूंगा। तो जाओ शिष्य, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भी जाओ युद्ध में दो दुर्बल का साथ, सदा रखेंगे बाण ये विजय तुम्हारे हाथ, विजय तुम्हारे हाथ। यदि तुमने इन्हें कोई भी क्षति पहुंचाई तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। आपने हमारे प्राणों और धन संपत्ति की रक्षा की है। आपके प्राणों की रक्षा करना तो मेरा कर्तव्य था। हम आपके बहुत, बहुत आभारी हैं। वत्स, प्रणाम गुरुदेव। बड़े सौभाग्यशाली हो, आज ही सिद्धि मिली और आज ही अपूर्वता परखने का अवसर भी मिल गया। देखा इन बाणों का चमत्कार, आज तुम्हारे लक्ष्य की संख्या केवल 8 थी।
किंतु यदि 800, 8000 अथवा 8 लाख होती तो भी तुम्हारा पहला वाण इन्हें पंक्तिबद्ध कर देता और दूसरा उन्हें भेद डालता, जिसका प्रमाण तुम स्वयं देख चुके हो। वत्स, ना तो ये वाण आज तक किसी को मिले हैं, कदाचित तुम्हारे पश्चात ना ही किसी को मिलेंगे। मैं समय हूं, बर्बरीक नई शक्ति और नई पहचान पा चुका था, और उधर पांडवों की पहचान भी खो चुकी थी। वो अज्ञातवास का वर्ष बिता रहे थे और सारे संसार से अपनी पहचान छिपाए फिर रहे थे, क्योंकि यदि कोई उन्हें पहचान लेता तो वनवास का कर्म फिर से आरंभ हो जाता। एक दिन महावीर भीमसेन घूमते हुए गुप्त क्षेत्र में जा निकले। पानी से भरा ताल देखकर उन्हें विश्राम की सूझी। अरे कौन हो तुम, ये क्या कर रहे हो? देखते नहीं हो, पांव धो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ? देखने में तो इतने लंबे चौड़े लगते हो, पर इतनी छोटी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि ये जल पांव धोने के लिए नहीं है। देखने में तो तुम भी ठीक ठाक ही लगते हो, कि तुम इतनी सी बात नहीं समझते कि जल तो पांव धोने के लिए ही होता है। जल स्वच्छ करता है, पवित्र करता है। मैं इसी जल से देवी की अर्चना करता हूँ। अर्चना का जल से क्या संबंध वत्स? तुम तो उन कट्टरपंथियों की भांति बात करते हो जो पूजा नहीं करते, पूजा का अडंबर रचाते हैं। पूजा और अर्चना के लिए जल, पुष्प और दीप नहीं, हृदय की श्रद्धा की आवश्यकता होती है। मुझे पूजा अर्चना की रीत न सिखाओ। मैं कहता हूँ चुपचाप उठो यहाँ से और इस जल को गंदा मत करो। जल हर वस्तु को स्वच्छ करता है वत्स, इसे कौन गंदा कर सकता है? गंगा पापियों के पाप धोती है, पापियों के स्नान करने से गंगा स्वयं दूषित नहीं हो जाती। मैं कहता हूँ उठो यहाँ से। लगता है तुमने बड़ों का आदर करना नहीं सीखा। अब भी समय है, बड़ों का आदर करना सीखो। कहो तो मैं सिखा दूं। मुझे जो कुछ सीखना था मैं सीख चुका हूं, मुझे और कुछ नहीं सीखना, और वो भी तुम जैसे मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति से। एक पग भी आगे बढ़ाया तो टांग तोड़ के रख दूंगा। मूर्ख, यदि मेरी टांग से उलझा ना तो भूल जाएगा तेरा जन्म कब हुआ था, हुआ भी था या नहीं। तो तू यू नहीं मानेगा।
जाने कौन है ये योग जिसने मुझे थका के रख दिया है। हो ना हो, इसके पास अवश्य कोई दैवी शक्ति है जिसने मेरे सांस की परीक्षा लेने की ठान रखी है। क्या कर रहे हो तुम लोग? आप बीच में से हट जाइए महर्षि। मैं इस दुष्ट हट धर्मी को बताकर ही रहूंगा कि बड़ों का आदर किस प्रकार किया जाता है। क्षमा कीजिएगा महर्षि, मैं भी इसे अपने अर्चना के जल के अपवित्र करने का दंड देकर रहूंगा। ठीक, जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को, पर इतना याद रखना कि जो रक्त तुम्हारे शरीर से बहेगा और जो रक्त तुम्हारे घाव से फूटेगा उसमें एक ही कुल की मर्यादा और एक ही वंश की परंपरा का रंग झलक रहा होगा जो बूंद बूंद करके मिट्टी में मिल जाएगा। आप क्या कह रहे हैं महर्षि? हम ठीक कह रहे हैं। तुम जिससे टकरा रहे हो, तुम जानते हो वो कौन है भीमसेन? भीमसेन दादाश्री? हाँ बरबरी, ये तुम्हारे दादा श्री वीर पांडुपुत्र महावीर भीमसेन हैं और ये तुम्हारा पौत घटोत्कच पुत्र वीर बर्बरीक है। बर्बरीक मेरा पौत्र? मुझे क्षमा कर दो पौत्र, मैं तुम्हें पहचान ना सका। मैं तो क्षमा के योग्य भी नहीं दादाश्री। धिक्कार है इस जीवन पर, मैंने अपने पूज्य दादाश्री का अनादर किया, आवेश में आकर इन्हें न जाने क्या क्या कह डाला। दादाश्री मैंने ऐसा पाप किया जिसका प्रायश्चित भी संभव नहीं। जो पाप भूल से हो जाए पौत्र उसका पश्चाताप ही प्राश्चित है। नहीं दादाश्री, यह भूल उस शक्ति का घमंड है जो मुझे वरदान में मिली है। दादाश्री मैं ऐसी शक्ति नहीं चाहता, नहीं चाहता। दादाश्री रुक जा पौत्र, बर्बरीक रुक जा पौत्र। जाने दो उसे भीमसेन। गुरुदेव क्या हुआ वत्स? ये वरदान ये शक्ति अपनी वापस ले लीजिए। क्यों गुरुदेव? आज इन शक्तियों के कारण मेरे हाथों से घोर अन्याय एक महापाप होते होते बचा। गुरुदेव उन शक्तियों से क्या लाभ जो मेरे वरिष्ठ मेरे संबंधियों की शत्रु बन जाए और उनके लिए हानिकारक सिद्ध हो। शक्ति प्राप्त कर लेना बहुत सरल है शिष्य, किंतु ये ज्ञान प्राप्त करना कि शक्ति का प्रयोग कब कहां और किस पर किया जाए बहुत कठिन है, बहुत कठिन है शिष्य। शक्ति गंगा के समान है जिसे संभालने के लिए शिव की जटाओं की आवश्यकता होती है।
यही तो समस्या है गुरुदेव। मुझ में यह ज्ञान नहीं, मुझ में वो सहनशीलता नहीं, मुझ में इस शक्ति का घमंड आ गया है गुरुदेव। आप अपना यह वरदान वापस ले लीजिए, मैं इस शक्ति के योग्य नहीं। वरदान देकर वापस नहीं लिया जा सकता, वरदान तो उसे ही मिलता है शिष्य जो वरदान के योग्य होता है। ये भी अच्छा हुआ कि तुम्हें इस सत्य का ज्ञान हो गया। शक्ति सदा दूसरों की रक्षा के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए होती है। इसका दुरुपयोग ग्लानी और पश्चाताप का कारण बन जाता है। अपने वरदान का सदुपयोग सीखो, यदि सीख गए तो संसार तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। हां, मैं तुम्हें अनुशासन की शिक्षा देना तो भूल ही गया था। शक्ति के साथ अनुशासन का ज्ञान उतना ही आवश्यक है। हमें विश्वास है शिष्य, जो घटना आज तुम्हारे साथ घटी है वो जीवन भर तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। शक्ति से दूर मत भागो शिष्य, शक्ति को अपने वश में करो। दूसरों के कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए। बरबरीक ने इस घटना से कुछ सीखा हो या ना सीखा हो, किंतु विधाता ने हमें आज एक ऐसे द्वार पर लाकर खड़ा कर दिया है पांचाली, जहां सदुपयोग और दुरुपयोग की परिभाषा कर पाना बहुत कठिन है। अब क्या होगा? उसकी शक्तियां तो महाविनाश फैला देगी वासुदेव, उसे किसी भी प्रकार रोकिए। जो वाण धनुष से निकल चुका हो पांचाली, उसे लौटाना सरल नहीं होता। उसे न रोकना भी विनाश होगा, और रोकना भी एक ऐसे दुख का कारण जो किसी विनाश से कम नहीं होगा। आज पांडवों के संकट और उसके निवारण की परीक्षा है। विधि का विधान आज हमारी भी परीक्षा लेना चाहता है। प्रणाम माताश्री, कुछ सुना आपने? हाँ सुना है। सारा हस्तिनापुर घटोत्कच पुत्र बरबरीक के आने और उसकी अनोखी प्रतिज्ञा के समाचार से गूंज रहा है। यूं ही हमारे सिरों पर संकटों के बादल छाए हुए थे, किंतु ये संकट तो सबसे बड़ा सिद्ध हो रहा है। माताश्री, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, मैं ऐसा कौन सा अपराध कर बैठी हूं जिसकी कोई क्षमा ही नहीं हो। जब से मैंने इस परिवार में प्रवेश किया है, दुर्भाग्य इस परिवार के साथ आंख में चुली खेल रहा है। नहीं पुत्री, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है माताश्री, ऐसा ही है। अधर्मियों के भाग्य में महलों की शीतल छाया और पांडवों के भाग्य में लाक्षाग्रह की भयानक ज्वाला, उनके भाग्य में श्री सत्ता और अधिकार, और हमारे भाग्य में शकुनी के पासे, वन की यात्रा और अपमान, हम पर युद्ध थोपने वालों के शिविर में शांति संतोष और विशाल सेना का अहंकार, और हम मुट्ठी भर लोगों के शिविर में भय आतंक और अभाव। जब केशव ने शत्रुओं के भय से हमें निश्चिंत कर दिया, तब अपना ही रक्त हमारे समाधियों पर
अपनी सिद्धि की विजय पताका फहराना चाहता है। ऐसा क्यों है माताश्री, ऐसा क्यों है? विधाता की आंख में चली हमारे परिवार के साथ ही क्यों हो रही है? शांत हो जा पांचाली, अंत में विजय सत्य की ही होगी। हम सबका अंत करने के पश्चात यदि सत्य की विजय हो भी गई तो किस काम की? नहीं माताश्री, स्वर्गीय पिता श्री पांडु के पश्चात आप ही हमारे परिवार के ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। अब तो केवल आप ही बर्बरी को रोक सकती हैं। यदि बर्बरी को रोकना मेरे वश में होता वधू, तो मैं इस युद्ध को ही न रोक लेती। पर मैं चाहते हुए भी इस युद्ध को नहीं रोक पा रही हूं। मेरा अस्तित्व तो एक ऐसे अंधकार में ढका हुआ है जिसे सूर्यदेव का प्रकाश भी दूर करने में असमर्थ है। मैं किसी को नहीं रोक पा रही वधू, किसी को भी नहीं। माताश्री, अब क्या होगा? आंधी के इस चक्र को हाथों से तो नहीं रोका जा सकता है। आंधी आए तो फिर उसके आकर निकल जाने की प्रतीक्षा के सिवा किया ही क्या जा सकता है? प्रणाम महर्षि। आयुष्मान भव। हाँ। क्या बात है, आज तुम अधिक चिंतित दिखाई दे रही हो कुंती। चिंतित तो मैं हूं महर्षि। इस चिंता में तुम अकेली नहीं हो कुंती। बर्बरीक हम सब के सामने एक प्रश्न चिन्ह बनकर आ खड़ा हुआ है। ये कैसी विडंबना है? बर्बरीक हमारे परिवार का सबसे छोटा सदस्य है, किंतु इस समय वो हमारे लिए सबसे बड़ा संकट बन गया है। हर प्रतिज्ञा हमारे लिए एक विपदा, हर शक्ति एक संकट और हर वरदान एक अभिशाप बन गया है। तुम ठीक कहती हो कुंती, बर्बरीक की शक्ति हमारे लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है। क्या हम इस परीक्षा में सफल हो पाएंगे? इस प्रश्न का उत्तर वासुदेव के पास है। सब कुछ वासुदेव पर है। पांडव परिवार के मन में जितने भी प्रश्न हैं, उनके उत्तर केवल वासुदेव के पास हैं। पर वो उत्तर देते क्यों नहीं? सत्य बात तो यह है पुत्री, इस प्रश्न का उत्तर भी वासुदेव के पास ही है। महर्षि, क्या आप भी कुछ नहीं कर सकते? हम इस समय केवल इतना ही कह सकते हैं कि सब कुछ वासुदेव पर छोड़, वो जो भी करेंगे हम सबके भले के लिए करेंगे। उनके जो भी उत्तर होंगे न्याय संगत होंगे। उनके हाथों से अन्याय हो ही नहीं सकता, मुझे परम विश्वास है। इस संकट का समाधान वासुदेव ही कर सकते हैं। तुम चिंता छोड़ दो पुत्री। प्रणाम महर्षि। सुखी भव। आओ मित्र, मैं अपने हृदय की गहराइयों से तुम्हारे सम्मुख नतमस्तक होता हूं। मैं तुम्हें और तुम्हारी महानता को सादर प्रणाम करता हूं मित्र। मैंने सदैव तुम्हारी मित्रता को अपने जीवन के लिए प्रकृति का सबसे मूल्यवान उपहार समझा, किंतु अब मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है। हां मित्र, जब मैंने सुना कि तुमने बर्बरीक पर छिपकर आक्रमण करने की भूल को मानकर अपने परम शत्रु भीमसेन से क्षमा याचना की,
तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा उठ गया। अपनी भूल के लिए शत्रु से क्षमा, यह कार्य कोई तुच्छ या कायर नहीं कर सकता। यह कार्य मित्र, यह कार्य तो कोई शूरवीर ही कर सकता है, और ऐसे ही शूरवीर तुम हो। तुम धन्य हो मित्र, धन्य हो। धन्यवाद तो मुझे तुम्हें देना चाहिए मित्र। यदि तुमने मुझे न रोका होता तो मैं दूसरों के बहकावे और विजय के लोभ में आकर अपने चरित्र पर कायरता का ऐसा कलंक लगा चुका होता जिसे मेरा रक्त भी धो नहीं पाता। मैं क्रोध और महत्वाकांक्षा में अंधा होकर क्षत्रिय परंपरा की सीमा भी पार कर चुका होता। मुझे क्या हो गया था मित्र? मैं जब ये सोचता हूं तो मेरे माथे पर पसीना आ जाता है मित्र। मित्र दुर्योधन, किसी शूरवीर के माथे पर यदि लज्जा भाव से पसीने की बूंदें चमक उठें, तो इतिहास उन्हें मोती समझकर चुन लेता है। मुझे यह पता चला है कि बर्बरिक के विषय में चिंता तुम्हारी न तो अनुचित थी और न ही अकारण। मुझे यह समाचार भी मिला है कि उसके पास अपूर्व सिद्धियां हैं जिनका सामना करना संभव है। हमें इसके लिए कोई ना कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा मित्र। नहीं मित्र, मेरे पास सोचने का समय नहीं है, और फिर निर्णय ले लेने के पश्चात कुछ सोचने से कोई लाभ भी नहीं होता। दुर्योधन ने यह निर्णय ले लिया है कि वह परिणाम की चिंता किए बिना उस अग्नि कुंड में कूद पड़ेगा जिसका दूसरा नाम है रणभूमि। नहीं मित्र, मेरे पास उपाय था, लेकिन एक व्यवस्था ने मेरे पांव बेड़ियों से बांध रखे हैं जिनके कारण मैं एक पग भी आगे नहीं बढ़ सका। क्या उपाय था तुम्हारे पास मित्र? यदि पितामह मुझे रणभूमि में सेना का नेतृत्व करने से न रोकते तो मैं पहले ही दिन मित्र दुर्योधन अपनी टुकड़ी लेकर रणभूमि में उतरता, बर्बरिक अपने वाण से मुझे समाप्त कर देता, किंतु दोनों ओर से तुम और पितामह भीष्म आक्रमण करने के लिए बच जाते। तुम दोनों की सेनाओं के बीच ये बर्बरिक चक्की के दो पाटों के मध्य अनाज के दाने के भांति पिस जाता, और विजय विजय मेरे मित्र की होती। तुमने ये कैसे सोच लिया मित्र कि मैं तुम्हारे इस उपाय से सहमत हो जाता और तुम इसकी अनुमति दे देता? महाबली की सौगंध मित्र, दुर्योधन इतना स्वार्थी नहीं है कि इस युद्ध की विजय की वेदी पर अपने जीवन की सबसे महान पूंजी अपनी मित्रता की भेंट चढ़ा देता। बर्बरी की शक्ति मुझे भयभीत नहीं कर सकती मित्र, मुझे तो केवल युद्ध लड़ना है, और इस युद्ध में विजय होती है या पराजय यह सोचने का ना तो मेरे पास समय है और ना ही अवकाश। उगते सूरज को भला रोक सका है कौन? मित्र शत्रु सबको किया बर्बरीक ने मौन। रहे कर्ण की मित्रता दुर्योधन के साथ, फिर न किसी की शत्रुता है चिंता की बात। सीख हम बीते युगों से नए युग का, करें स्वागत।